दुर्ग पुलिस द्वारा गुंडे का जुलूस निकालने के बाद भिलाई नगर पुलिस ने भी सेक्टर 6 में एक चाकूबाज का जुलूस निकाला। इस आरोपी ने 2 दिन पहले सेक्टर 6 में 2 भाइयों पर कटर से हमला किया था। भिलाई नगर टीआई मनोज प्रजापति ने बताया कि बी आमोश 25 वर्ष सड़क 58 क्वार्टर नं 06 बी तेलगु पारा सेक्टर 6 निवासी टेंट हाउस में काम करता है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 अक्टूबर की रात 8:30 बजे अपने दोस्त के साथ ई मार्केट के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहा था। उसी समय तेलुगु पारा का रहने वाला ए शंकर राव उसके पास आकर तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो कहते हुए गाली गलौज करने लगा। जब उन लोगों ने उसका पास आकर तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो कहते हुए गाली गलौज करने लगा जब उन लोगों ने उसका विरोध किया तो उसने अपने पास रखे कटर से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। बियामोश का ममेरा भाई जी राजकुमार ने जब विरोध किया और ए शंकर राव से पूछा कि कटर क्यों मारे तो उसने ए शंकर राव पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसने जी राजकुमार के गले में कटर मारा जिससे वो लहूलुहान हो गया। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला। मामला तो सड़कों पर ये शंकर राव नाम का लड़का है जो देलकू मोहल्ला में रहता है। अपने मोहल्ले में ही उसके द्वारा चाकूबाजी किया गया था जिसमें 307 अपराध कायम है और उसी उद्देश्य को लेते हुए कि दोबारा उस मोहल्ले में या आसपास इस तरह की घटना ना हो इसका परेड कराया गया था और परेड के दौरान हमारा ये उद्देश्य था कि शांति व्यवस्था बना रहे समाज में। सर किस तरह का अपराध दर्ज है पहले इसके खिलाफ? मारपीट का अपराध दर्ज है इसके खिलाफ और आज 307 का कायम। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना